हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ब्लॉग करने वाला हूँ जो कि मेरा पहला ब्लॉग होगा। आज मैं जा रहा हूँ हमारे यहाँ पर पास में एक स्कूल पर। हर साल एक साइंस एग्जीबिशन होता है जिसमें आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे क्या करते हैं, साइंस के कुछ मॉडल्स बना के लाते हैं। इस एग्जीबिशन पर साइंस प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन करवाई जाती है, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन होती है। मैंने भी एक बार पार्टिसिपेट किया था, दो बार मैंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। दो बार मैंने प्रोजेक्ट भी दी और आर्ट भी किया था ड्राइंग पर भी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रोड का हालत देख ही सकते, पता ही नहीं चल रहा रोड पर गड्ढे है या गड्ढे पर रोड। 5-6 सालों से इस रोड का हालत ऐसा ही है, यहाँ पर रिपेयरिंग भी नहीं हुई 5-6 सालों से। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर अंदर अभी आर्ट कंपटीशन चल रहा है। अब हमें तो अंदर अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही हम दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा जितना हो सके आपको दिखाएंगे। तो गाइज, ये देखिए वो चीज़ें जो कि यहाँ के बच्चों ने बना के लाए हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा सभी। अभी काफी भूख लगी है, तो कुछ खा के आते हैं हम सब। वो बिंदास खाना होना चाहिए भाई दोबारा। हम दोनों बैठ के यहाँ पर ये खा रहे हैं। ये सब है सब पार्टिसिपेटर्स के लिए पैकेटिंग खाना। तो गाइज, मेरा इस ब्लॉग के पीछे इंटेंशन यही था कि इस आइडिया को प्रमोट करना। मुझे पर्सनली यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है इस तरह की कंपटीशन हर साल में कम से कम एक बार ज़रूर करानी चाहिए। और गाइज, एंड में यही कहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।